वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए घंटी को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंस्टेंट फ्राई मिर्च की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे हम कुछ मिनटों के अंदर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आपके खाने का स्वाद दोगुना कर देती है और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और चटपटी बनकर आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी सामग्री चेक कर लेंगे। सामग्री में हमने लिया है 100 ग्राम मिर्च, मैंने इनको धोकर अच्छी तरह पोंछ कर रख लिया है। साथ में मसाले लिए हैं। सबसे पहले लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये मेरी कश्मीरी लाल मिर्च है जो हमें तीखापन नहीं देती है, सिर्फ रंग देती है। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 पिंच हींग और 1 टीस्पून नींबू का रस। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। सामग्री हमने चेक कर ली है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी मिर्च को कट कर लेंगे। ये देखिए, हरी मिर्च लीजिए और उस पर चीरा लगाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए किस तरह लगाना है, ये देखिए इतना जोड़ा छोड़कर। आपको इसको पूरा दो हिस्सों में नहीं करना है, इसे थोड़ा सा जोड़े रखना है। इस तरह से हम इसे काट लेंगे। आप चाहे तो इसके चार हिस्से भी कर सकते हैं, मतलब चार चीरे भी लगा सकते हैं, पर मैं इसके दो चीरे ही लगाकर तैयार करूंगी। इसी तरह से हम सारी मिर्च को काट कर तैयार कर लेंगे। सारी मिर्च के हमने चीरा लगाकर रख लिया है। ये देखिए आप, सारी मिर्च हमारी तैयार है, तो चलिए अब इसे बनाना हम शुरू करते हैं। ये देखिए, मिर्ची फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। ये मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल में बनाने से मिर्ची बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है और खाने में इसका स्वाद भी बढ़कर आता है। तो अगर आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दूसरा वाला तेल, फॉर्चून ऑयल। पर अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब गैस एकदम धीमी कर दीजिए, तेल को आप अच्छे से गर्म कर लीजिए और उसके बाद गैस धीमी कर दीजिए और उसके अंदर मिर्ची डाल दीजिए। मिर्ची डालने के बाद इसे एक बार चला लीजिए। ये देखिए, इसे हमने एक बार मिला लिया है। अब इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और हींग, और मसाले डालते ही इसे तुरंत दोबारा मिला लेंगे। गैस आपको धीमी रखनी है ताकि हमारे मसाले जले ना। मिर्चियों को मसाले से अच्छी तरह से कोट कर लीजिए मिलाते हुए। ये देखिए, लगातार चलाते हुए आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब इसे धीमी आंच पर ही आप इसे ढककर 1 मिनट थोड़ा सा सीखने दीजिए। 1 मिनट हो चुका है, इसे हम हटा लेंगे। और ये देखिए, आप मिर्ची को देख सकते हैं, इसका हल्का सा रंग बदल चुका है, हल्की सी हमारी गल भी चुकी है। इसको हमें पूरी तरह नहीं गलाना है, इसके अंदर हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। तो मिर्ची हमारी तैयार है। आखिर में इसके अंदर नींबू का रस डालिए और इसकी गैस बंद कर दीजिए और इसे एक बार हम मिला देंगे। मिर्ची को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। आप इसे 1 से 2 मिनट ठंडा कर लीजिए। थोड़ा सा मिर्ची को ठंडा, इंस्टेंट मिर्च फ्राई को हमने थोड़ा ठंडा करने के बाद सर्व कर दिया है। खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और अगर आपके पास घर में कोई सब्जी नहीं है, आप इन मिर्ची को बना के खाइए, आपको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनकर आती है। तो अगर आपको मेरी मिर्ची फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी रेसिपी इंग्लिश डन और डिटेल चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें, जो कि है www.aslafood.com। वहाँ पर आपको मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी और साथ ही साथ डिटेल फोटोज और रेसिपी नोट्स भी। टिल देन, बाय बाय।